चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में भारत वनडे सीरीज का पहला मुकाबला हार गया वेस्टइंडीज की तरफ से। हेटमायर और शाई होप ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली और वेस्टइंडीज को पहले ही मैच में जीत दिला दी। अब सीरीज में वेस्टइंडीज 1-0 से आगे। T20 सीरीज में भारतीय टीम को कड़ी चुनौती देते हुए वेस्टइंडीज ने इस बात के संकेत दिए थे कि वनडे सीरीज भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होगी और पहले ही मैच में क्रेयन पोलार्ड की कप्तानी में वेस्टइंडीज की टीम ने इस बात को साबित कर दिया कि इस सीरीज में भारतीय टीम को वो आगे भी कड़ी चुनौती देते रहेंगे। साई होप और हेटमायर के बीच में 218 रनों की साझेदारी हुई, जिसमें हेटमायर ने 139 रनों की पारी खेली। दो स्पिनर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा से बहुत आस लगाई जा रही थी कि चेन्नई की टूटती पिच पर फिरकी के फनकार अच्छी गेंदबाजी करेंगे और भारतीय टीम को बड़ी जीत दिलाएंगे, लेकिन तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स को चौंकाते हुए वेस्टइंडीज ने ये मुकाबला जीत लिया है। 8 विकेट से बड़ी जीत हासिल की वेस्टइंडीज ने। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट रितेंद्र सोढ़ी जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। रितेंद्र, एक जगाने वाली जीत हम इसको कहें या क्या कहें, 287 रन चेन्नई के एक टूटती पिच पर एक बड़ा स्कोर माना जा रहा था और वीवीएस लक्ष्मण ने तो यहां तक कह दिया था कि हम 100 रन के अंतर से मैच जीतने वाले हैं, लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। जी हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जो हुआ है वो बिल्कुल उम्मीद के परे हुआ है। ठीक ठाक रन हमने खड़े किए थे और ऐसा लग रहा था भारतीय टीम ये मैच इस विकेट पे आराम से जीतेगी, दिल विन हैंड्स डाउन, बट ऐसा नहीं हुआ है। तो इसका क्रेडिट जाता है हिटमेयर को, जिसने आउट ऑफ द वर्ल्ड बल्लेबाजी की। होप ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, बट एंड ऑफ द डे हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, हमने बहुत खराब गेंदबाजी की। और अगर हम टीम सिलेक्शन की बात करते हैं, आपको युजवेंद्र चहल को खिलाना होगा। आप बैट्समैन बॉलर के साथ या ऑलराउंडर्स के साथ उम्मीद नहीं कर सकते कि आप बड़े मैच जीतेंगे। और फील्डिंग में कैचेस छूटे, बहुत लैप्सेस दिखे, वहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो भारतीय टीम के लिए ये वेकअप कॉल है, क्योंकि उन्होंने हरगिज ना सोचा होगा कि ये मैच हम किसी भी तरीके से। बिल्कुल रितेंद्र, काउंटर अटैक जिस तरह से भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ किया हेटमायर ने, इतने लंबे लंबे छक्के उन्होंने खासतौर से मिड विकेट पे लगाए, आपको लग रहा है एक बार फिर प्लान बी की कमी नजर आई थोड़ी और एक एक्स्ट्रा गेंदबाज प्योर बॉलर को खिलाना जरूरी था इस ट्रैक में? जी हाँ बिल्कुल, वहाँ पे राजीव कार्डिनल एरर हुआ है, क्योंकि आपने उम्मीद ये रखी कि आपके जो बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं वो बॉलिंग भी कर लेंगे और आप मैच जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पे विराट कोहली को अब ज़रूर पता चल गया होगा कि जो प्रूवन पेयर है चहल और यादव का, इसके साथ आपको जाना होगा, क्योंकि आज अगर चहल बॉलिंग कर रहे होते थिंग्स माइट हैव बीन डिफरेंट। तो यहाँ पे अगले मैच में हम चहल को तो ज़रूर देखेंगे, बट एंड ऑफ द डे भारतीय बॉलिंग और फील्डिंग को सुधरना होगा, क्योंकि अब भारतीय टीम ये जानती है कि वेस्टइंडीज में दम है। आप वेस्टइंडीज को लाइटली नहीं ले सकते और बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चेन्नई में चमत्कार की उम्मीद कर रही थी भारतीय टीम, लेकिन इस चमत्कार को पीछे ढकेलते हुए वेस्टइंडीज ने ना सिर्फ वनडे का यह मुकाबला जीता बल्कि अब सीरीज में भी 1-1 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।